राजमहल पुलिस ने अवैध देसी शराब की बड़ी खेप को जब्त किया है। जी हाँ, तीन पहाड़ पुलिस प्रशासन के हाथ लगी अवैध देसी और विदेशी शराब से भरी बोतलें। जैसा कि वैश्विक संक्रमित महामारी में राज्य सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसके तहत शराब सहित कई दुकानों के खुलने व बंद होने की एक समय निर्धारित की गई है। वहीं राज्य सरकार के नियमों का उल्लंघन कर तीन पहाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत सुतियारपाड़ा गांव में स्थित एक शराब की दुकान पर देशी एवं विदेशी शराब बेची जाती है। गुप्त सूचना मिलते ही राजमहल SDPO अरविंद कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश के नेतृत्व में औचक छापेमारी की गई। थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश ने कहा कि समय के विरुद्ध शराब की दुकानें संचालित की जा रही थी। कहा कि कांड संख्या 40/2021, धारा 188/272, 273, 290 भारतीय दंड विधान एवं 3 एपिडेमिक डिसीज एक्ट एंड 47 एक्साइज एक्ट के तहत अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। ब्यूरो चीफ आनंद भगत के साथ तापोश गांगुली की रिपोर्ट। इसके आधार पे उनकी टीम द्वारा सुतियारपाड़ा गांव में रेड किया गया। मनोहर राय की दुकान है जो COVID-19 का नियमों का उल्लंघन करते हुए दुकान खोले हुए हैं। उनकी दुकान की जब तलाशी ली गई, उनकी दुकान से देसी अंग्रेजी की कुल 23 बोतल शराब मिला। उन्हें गिरफ्तार किया गया मनोहर राय को, और COVID-19 का उल्लंघन तथा इस एक्साइज एक्ट के तहत इनको ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। बोले सर, जब्त शराब सर जो है कितने रुपए तक की होगी? सर ये 23 बोतल है, दाम तो 15-20 हज़ार का होना चाहिए। थैंक यू सर। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।